पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका ने किया भारत का अपमान, ऐसा अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दक्षिण अफ्रीका ने लिया T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मैच किंग्समीट डर्बन के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के फैसले को गलत साबित किया संजू सैमसन ने। सैमसन ने T20 इंटरनेशनल में लगातार दूसरा शतक लगाया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का पसीना छुड़ाया। सैमसन पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने लगातार 2 T20 मैचों में 2-2 शतक जड़ दिए। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में भी सेंचुरी लगाई थी। इस मैच में संजू सैमसन ने तो शतक लगाया, लेकिन इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत का अपमान करते हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया। दक्षिण अफ्रीका ने एक नहीं, 2-2 बार भारत का अपमान किया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे डर्बन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत का अपमान किया। दक्षिण अफ्रीका में हुआ भारत का अपमान। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत डर्बन के मैदान पर हुई। सीरीज के पहले मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। बीच मैदान भारत को अपमान झेलना पड़ा। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान किया, लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी राष्ट्रगान गा रहे थे तो तकनीकी खराबी की वजह से इसे रोक दिया गया, जिसकी वजह से माहौल असहज हो गया। जैसे ही टीम इंडिया ने जया 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 हे गाना समाप्त किया, वैसे ही ऑडियो बॉक्स रीसेट कर दिया गया और राष्ट्रगान फिर से शुरू हो गया। इसकी वजह से सीनियर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल भी कंफ्यूज दिखाई दिए। 2-2 बार रुका राष्ट्रगान। राष्ट्रगान रुक जाने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने गाना जारी रखा। तकनीकी खराबी के कारण भारतीय टीम ने पूरा राष्ट्रगान 2 बार गाया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने भी माहौल को बनाए रखते हुए अपनी टीम का साथ दिया। डर्बन स्टेडियम मैनेजमेंट की इस गलती पर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कुछ भारतीय फैंस काफी ज्यादा खफा हो गए हैं। खराब रही भारत की शुरुआत। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। 24 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। जरार कॉटजे ने युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पवेलियन की राह दिखा दी और भारत को पहला झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 7 रन ही बना पाए, लेकिन इसके बाद मैदान पर दिखा संजू सैमसन का तूफान। संजू सैमसन ने तूफानी पारी खेलते हुए डर्बन के किंग्समीट मैदान पर शानदार शतक जड़ दिया। संजू सैमसन ने सिर्फ 50 गेंदों का सामना किया और 107 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने चौके से ज्यादा छक्के लगाए। संजू सैमसन ने अपनी तूफानी पारी के दौरान 7 चौके और 10 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 214 का। ये संजू सैमसन की तूफानी पारी ही थी जिसकी वजह से भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 200 से ज्यादा रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन जिस तरह से तकनीकी खराबी के कारण 2-2 बार राष्ट्रगान रोकना पड़ा, ऐसा आमतौर पर क्रिकेट के मैदान पर देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका ने कुछ इस तरह से T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया और बीच मैदान पर भारत का अपमान किया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका में ये T20 सीरीज जीत पाएगी? क्या भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में जीत का परचम लहरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।